हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शीता चारा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है हमारे बप्पा का 7वां दिन, जिसे कि हमने पूजा करनी है। अभी जैसे मैंने उनके लिए बनाए हैं आलू के पराठे, आज हम आलू के पराठे का भोग लगाएंगे। साथ में रसमलाई है मिठाई में, उनके लिए लाए थे कल हस्बैंड की रसमलाई का भोग लगाएंगे। तो चलो आज रसमलाई का भोग लगाते हैं, आलू के पराठे लगाते हैं पप्पा को, और साथ में लगाते हैं दही। तो चलो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं पूजा। सातवें दिन की आरती है, और अभी आपको दिखाती हूँ मैं हमने भोग में क्या क्या लगाया है। भोग में है सबसे पहले तो मीठा। गणपति पप्पा को मीठा बहुत पसंद है, तो यहाँ है रसमलाई। उसके साथ मैंने बनाए हैं आलू के पराठे और दही है, साथ में उनका पानी रखा है। तो चलो भोग लगा देते हैं पप्पा को। पानी पियो पप्पा, पानी पियो पप्पा। हो गया हमारा गणपति पप्पा का भोग, और उनकी हो गई अच्छे से आरती। सो जी, हमारी मॉर्निंग की आरती कंप्लीट हो गई है। हमने देखा आपने भोग भी लगा दिया है,
और बस अब संदेश जल्दी जल्दी से लंच करके निकलेंगे, बिकॉज अभी एवरी डे उनको लेट हो रहा है क्योंकि हम आरती वगैरह करते हैं नॉर्मली, वो 7:30 निकल जाते हैं और अभी बजने वाले हैं 8:15 और अभी तक वो निकले नहीं हैं। और कल जैसा कि मैंने बताया कि उनका छोटा सा एक्सीडेंट काइंड ऑफ बोल सकते हैं, या वो गिर गए क्योंकि एक बंदा रॉन्ग साइड से आ रहा था, तो थोड़ा सा टेंशन लगा रहता है बिकॉज वो जाते हैं 2-व्हीलर से अभी। तो जल्दी जल्दी से उनको नाश्ता दे देते हैं, मतलब वो कर रहे हैं, दे देते हैं कुछ और लगता है तो, और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। है फ्रेंड्स, तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, आराम कर लिया मैंने, साथ में यहाँ पर बप्पा को भी सुला दिया है। और यहाँ देखिए दीशु क्या कर रहा है। दीशु ने अपने पूरे लेगोस बिछा लिए और उसने बताया बनाया है छोटा सा स्केटबोर्ड। तो मैंने सोचा आज बप्पा को रसमलाई केक का भोग लगाया जाए, तो आज मैं रसमलाई केक बनाने वाली हूँ। तो देखो मैंने केक का जो बेस है वो रेडी करके रखा है। तो केक का बेस ये है जो मैंने बना लिया है। और अब मैं निकाल लेती हूँ फ्रीज से क्रीम और उसके बाद में उसको बीट करके हम केक को रेडी करेंगे। ये रही हमारी विप्ड क्रीम और रेडी मैं रखती हूँ अपने पास में घर पे सारी चीज़ें। मैंने शायद हो सकता है कि 3-4 महीनों से केक नहीं बनाया है, तो बस केक का बेस तो रेडी हो ही गया है। अब बनाएंगे केक, रस मलाई केक। हाँ बेटे स्टिकर दे दो आपने। सो अभी हम एंजॉय कर रहे हैं सारा भाई वर्सेस सारा भाई, जो कि हमने पॉज करके रखा है, तो पॉज को हटाते हैं और देखते हैं सारा भाई वर्सेस सारा भाई। ठीक है, और केक बनाऊंगी जब ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी केक की रेसिपी। तो अब क्या करेंगे, बेस तो बना लिया है, ऊपर से जब डेकोरेशन करेंगे तब देखेंगे। ठीक है चलो जी मिलते हैं। तो जी फ्रेंड्स, हमारा रसमलाई केक रेडी है, तो चलिए बप्पा का जल्दी से आरती करके भोग लगाते हैं रसमलाई के काम, चलो इसको। सो जी फ्रेंड्स, आरती वगैरह तो सब कर ली थी, बहुत सारे फ्रेंड्स आ गए थे तो वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो केक तो मैंने आपको दिखाई दिया है, इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन जय श्री कृष्णा, बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बाय बाय।